नमस्ते दोस्तों, आज हम बिहार के फेमस सत्तू पराठा और बैंगन के चोखा बनाएंगे। सबसे पहले सत्तू पराठा बनाएंगे। देखिए, उसके लिए एक बड़ा सा प्याज ले लिए हैं काट के, 8-10 कली या लहसुन के ले लिए हैं, धनिया पत्ता ले लिए हैं, अदरक थोड़ा सा ले लिए हैं और 10-12 हरी मिर्च ले लिए हैं, नींबू ले लिए हैं और 200 ग्राम सत्तू ले लिए। अब इसको इसमें डालेंगे, इसको काटेंगे। प्याज कटा गया, इसमें लहसुन डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। इसको भी काट लेंगे। प्याज लहसुन अदरक कितना अच्छा से कट गया है। अब इसको इसमें सत्तू में डाल देंगे। फिर इसमें हरी मिर्च डालेंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे। इसको भी अच्छे से काट लेंगे। देखिए, हरी मिर्च और धनिया पत्ता काट के तैयार कर लिए। इसमें सत्तू में डाल देंगे पानी डाल के और चारों तरफ से मिला के डाल देंगे। अब इसमें नींबू डालेंगे। नींबू का रस डाल दिए, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, कलौजी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा अचार के मसाले डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सत्तू अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। अब पराठे बनने के लिए रेडी हो चुका है। तवा चढ़ा दिए हैं, अब सत्तू पराठा बनाएंगे। आटे को अच्छी तरह से मिला लें। इसका छोटा छोटा लोई कटेंगे, इसको गोला करेंगे, इसको आटे में लगाएंगे। सत्तू का पराठा बनाएंगे। अब इसमें सत्तू का स्टोपिंग डालेंगे और इसको धीरे धीरे फोल्ड करेंगे और इसको बंद कर देंगे और अच्छे से इसको चपटा कर लेंगे, लगाएंगे और धीरे धीरे इसको बेलन से बेलेंगे। ज़्यादा ना मोटा बनाना है ना ज़्यादा पतला। तैयार हो चुका है बेल के तैयार है। अब तवे पर इसको डालेंगे। तब तक दूसरा लोई तैयार कर लेंगे। अब इसको पलट देंगे। इसमें घी लगाएंगे। इसको पलट देंगे। फिर
इस तरफ भी घी लगाएंगे। अच्छे से घी लग गया, इसको पलट देंगे। बन गया, इसको निकाल देंगे। देखिए बैंगन के चोखा बनाने जा रहे हैं सत्तू पराठा के लिए। इसको पहले पकाएंगे इस तरह से। इसको घुमाते घुमाते पकाएंगे अच्छी तरह से। देखिए बैंगन अच्छी तरह से पक गया। अब इसको हटा लेंगे। अब दूसरा बैंगन पकाएंगे उसी तरह से। अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसको चोखा बनाएंगे। इसको पहले अच्छी तरह से छील के साफ कर लेंगे। अच्छे से इसको छील लिए और इसको अच्छे तरह से धो के साफ कर लेंगे। देखिए बैंगन को अच्छे तरह से धो के साफ कर लिए हैं, इसका छिलका उतार दिए हैं। अब इसका चोखा बनाएंगे। इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे सरसों का, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बैंगन का चोखा बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीका से। देखिए सत्तू पराठा और बैंगन का चोखा सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।